तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द स्टंट डूड पर। गाइज यार आज का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना है और उसके साथ मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ शिनचैन को स्कूल में लेने। अब मैं जा क्यों रहा हूँ ये मैं आपको गाड़ी में बैठने के बाद ही बताऊंगा, तो जल्दी से चलते हैं। ये रही हमारी प्यारी गाड़ी जो कि हमने जीती थी, और जिसको ये बात नहीं पता प्लीज जाके पहले के हमारी वीडियोस देखो। तो अब जल्दी से निकलते हैं। तो हाँ गाइज मैं कहाँ पर था, मैं शिनचैन को स्कूल लेने जा रहा हूँ क्योंकि चौप का मेरे पास फोन आया था और उसने मुझे एक लोकेशन भेजी है जहाँ पर आज का रैंप चैलेंज होने वाला है। अगर मैं शिनचैन का वेट करता तो शिनचैन स्कूल से घर पर आता, फिर घर से हम लोग वापस जाते, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना शिनचैन को लेते हुए जाऊँ। अरे शिनचैन मेरी बात सुन, जल्दी से आके गाड़ी में बैठ जा। अच्छा ठीक है आता हूँ, पर एक बात तो बताओ आज यहाँ पर आना कैसे हुआ? वो सब मैं बताता हूँ, पर पहले गाड़ी में तो बैठ। अच्छा ठीक है बैठता हूँ। ये मैं बैठ गया। तो गाइस अब जल्दी से निकलते हैं। अरे पहले बताओ ना क्या होगा शिनचैन, चॉप का फोन आया था और हमें जाना उसके रैम चैलेंज के लिए। अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो गाड़ी को फुल स्पीड में भगाओ। सॉरी यार शिनचैन मैं गाड़ी को नहीं भगा सकता। अरे पर क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए, जरा देख तो सही अपने राइट साइड में। अरे हाँ मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो गाइस अब जल्दी जल्दी चलते हैं रैम के पास। एक तो ये रास्ता इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ है ना मैं आपको क्या बताऊं, बस हमारी गाड़ी यहाँ पर पलटी ना हो जाए, रैम ठीक हमारे सामने है। अबे हाँ रे भाई मेरे को भी दिख रहा है, मैं अंधा थोड़ी ना हूँ। गाइस यार मुझे यहाँ से कुछ अलग दिख रहा है, वो वहाँ पर दो चीज क्या पड़ी है? अरे वो तो गाड़ियाँ होंगी ना। गाड़ियाँ तो नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे टैंक खड़े है। जरा पास जाके देखते हैं शिनचैन। अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जल्दी जल्दी चलो। गाइज यार जैसा कि मैंने सोचा था ये टैंक्स ही है, और वो भी हमारे फेवरेट कलर में। पिंक शिनचैन का है और ग्रीन हमारा फेवरेट कलर है। गाइज यार कुछ तो धमाकेदार होने वाला है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आज क्या होगा। अरे ये तो मेरे लिए एक सस्पेंस बन गया है, प्लीज जल्दी से चॉप को फोन करो ना। ये बात तो तुमने एकदम सही बोली। तो गाइज टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से चॉप को फोन करते हैं। अरे बोलो डूड भैया। अरे यार क्या बोलूं? पहले तो ये बता कि यहाँ पर टैंक क्या कर रहे हैं। ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आज का जो चैलेंज है ना वो आपको टैंक से करना है। क्या बात कर रहा है, ये थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? अरे रिस्क है तो इश्क है, आपको ये जो रैंप दिख रहा है ये आपको टैंक की मदद से पूरा करना है। इसके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे आपको उसे डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ना है, और जो भी सबसे कम अटेम्प्ट में पूरा करेगा वो जीत जाएगा। तो शिनचैन तू पहले जा रहा है या फिर मैं जाऊँ? अरे काम करो ना आप ही चले जाओ ना, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मैंने इससे पहले कभी भी टैंक से कोई रैंप नहीं किया। ठीक है बाबा मैं जाता हूँ, पर किया तो मैंने भी नहीं है। तो गाइस ये रहा हमारे फेवरेट रंग का टैंक, जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ और ये हम चले अंदर। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसी के साथ कमेंट करना मत भूलना टीम डूड ओपी। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि आज तक हमने जितने भी गाड़ियों से रैंप किया है ना वो थोड़ी हल्की फुल्की सी होती थी ना, तो ऐसे थोड़ी जंप वगैरह खाती थी, पर ये इतना ज्यादा भारी है ना इसको ऊपर चढ़ाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। गाइस यार हम लोग तो यहीं पे टकरा गए, अब थोड़ा सा पीछे लेते हैं क्योंकि ऐसे तो मैं आगे जा नहीं सकता, और ये हम चले। तो गाइस अब थोड़ा फोड़ी का टाइम है, ये गया, आगे और भी बहुत सारे हैं, पर पहले इस चीज के आगे निकलना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा टाइम और ये हम चले। अब फटाफट आगे जाता हूँ, अब इसको फोड़ता हूँ जल्दी से, ये भी गया। गाइस यार जितना डर लग रहा है ना उससे कहीं ज्यादा मजा आ रहा है, पता नहीं आगे और कौन कौन सी चीजें मिलेगी जिसे डिस्ट्रॉय करने मिलेगा। अबे नहीं 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 थोड़ा लेफ्ट हो, बार बार बचे। गाइस मुझे तो लगा था अभी गई भैंस पानी में, ओह सॉरी गया टैंक पानी में। अरे ये क्या घटिया घटिया डायलॉग मार रहे हो? अबे यार मुंह से निकल गया गलती से, अब ये क्या चीज है, ये तो बड़े बड़े पुतले लग रहे हैं। और ये गया गाइस यार का गुलाटी मारते मारते नीचे गया है वो, आगे दो और है, ये है किस चीज के पुतले, ऐसा लग रहा है कोई बंदर खड़ा है, अब इसको भी मारता है, ये गया। गाइस यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अरे क्या बात कर रहे हो, फिर तो ये रैम जल्दी से पूरा करो, मुझे भी करना है। करेगा करेगा तू भी करेगा, थोड़ा सा सबर रख। गाइस यार जल्दी जल्दी इसको भी उड़ाते हैं। अबे यार मैं चूक कैसे गया? ये गया, इस बार नहीं चूका, पर एक गड़बड़ हो गई, ये अगर नीचे नहीं गिरा, चलो गिर गया, मुझे तो लगा था अगर नीचे नहीं गिरा तो रास्ते में आएगा। यहाँ पर दो दो बॉल है, बीच में निशाना लगा था, आसपास गिरनी चाहिए। गाइस यार ये दोनों तो गए लुढ़कते लुढ़कते, अब आगे और दो है। यहाँ पर पहला चैलेंज तो ये है कि टैंक को ऊपर चढ़ाना भी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी चीज है, ऊपर से हमको ये सब डिस्ट्रॉय भी करना है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ आधी चीजें तो समझ ही नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर वापस चलाते गोली, यहाँ पर तो फायर हो गया, अब मुझे लगता है एक और जगह बाकी है ऊपर जहाँ पर हमें ग्रीन रंग के बॉल दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं कहीं पर रुक नहीं सकता, अगर एक बार टैंक रुक जाए ना तो उसे स्टार्ट करने में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक काम करते हैं लेफ्ट से जाते हैं, इन सबको उड़ाऊ या नहीं? उड़ाते ही जाता हूँ, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, जितनी चीजें कम बीच में आएगी उतना अच्छा। ये वाली बॉल भी गई, पर अभी तो मंजिल बहुत ज्यादा दूर है, इसको भी उड़ाते हैं और ये गया। वाह क्या जम खाते खाते जा रही है, अब एक दो को और मारते, ये भी गई। अबे यार ये तो गिरी नहीं रही है, पहले सामने गई अब लेफ्ट साइड चली गई, बहुत ही जिद्दी बॉल है। नहीं 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 गई नीचे गई, वो भी गई। अबे जाओ यार दो बॉल एक साथ, यहाँ क्या गप्पे लड़ा रहे हो,
चलो गए 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 दोनों एक साथ गए गाइस। मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड होंगे। अब बस एक टाइल बची है, मतलब सॉरी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बचा है। अब वहां से भी हम लोग आगे निकल जाएंगे। ओहो यहाँ पर तो आग लगी हुई है, मुझे लगता है हमें इसके बीच में से जाना पड़ेगा। पर हमारे टैंक को कुछ नहीं होगा गाइस, टैंकों को वैसे भी इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। ये उड़े सारे के सारे टायर, ये टैंक के सामने ऐसे छोटे छोटे खिलौने लग रहे हैं। वो बचपन में रिंग नहीं आती थी जिसको अपन हाथ में पहन के खाते थे, मतलब के उंगलियों में डाल के खाते थे। अरे क्या कुछ भी बोलते रहते हो, हाथ में पहन के कौन खाता था? अबे यार जिसको समझना था ना वो लोग समझ गए, मुझे तुझे नहीं समझाना। भावना पहुंचनी चाहिए, वेडिंग से क्या होता है। मार लो बहाने मार लो, बचने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अबे यार मैंने ऐसा क्या किया है। गाइस यार ये तो सारे के सारे ब्लास्ट हो गए। यहाँ पर बहुत सारे जलते हुए पत्थर उड़ रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे यहाँ पर। कोई बात नहीं गाइस हम लोग कर लेंगे, ऐसे भी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म आने वाला है, मुझे यहाँ से दिख रहा है। ये हमारी अग्नि परीक्षा है गाइस, हम लोग निकल जाए निकल जाए निकल जाए बस। और निकल गए। और गाइस मजे की बात ये है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना ही झटका ना ही गर्मी। गाइस यार ये टैंक कमाल का है। वो रहा चॉप, चॉप देख मैं आ गया, बोल तो तेरे को भी उड़ा दूं मिसाइल से। और ये बकवास बंद करो, जल्दी से मेरे पास आओ। आ रहा हूं भाई आ रहा हूं। तो गाइस हम लोग तो चॉप के पास पहुंच गए, अब देखते हैं कि शिनचैन क्या झंडे उखाड़ता है। अरे शिनचैन झंडे ही नहीं सब कुछ ही उखाड़ देगा, जल्दी से जाके मेरे फेवरेट अंक के टैंक में बैठता हूं। इंकी पिंकी पंकी डूड भैया डोंकी। ओ भाई सुन रहा हूं मैं, अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया तू। अरे इसमें मेरी क्या गलती, मुझे लगता है ना गाइस एक बार शिनचैन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। गाइस यार इनकी बातों पे ध्यान मत दो, जल्दी से मेरे लिए लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना, टीम शिनचैन ओपी। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे पत्थर बीच में आ रहे हैं। और कोई बात नहीं मैं शिनचैन नुहारा हूँ, मैं इन दोनों के बीच में से निकल जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे। देखा कितना आसानी से निकल गया, अब इसे तोड़ा फोड़ी का सिलसिला चालू हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। और ये मैंने तोड़ा, वाह क्या बात है, ये तो हीरो वारी एंट्री हो गई। हीरो वारी नहीं होता, हीरो वाली होता है। अरे वो जो कुछ भी हो मैं तो एक बच्चा हूँ। तू खाली बच्चा नहीं है शिनचैन, तू बहुत ही शरारती बच्चा है जो की अच्छी बात नहीं है। अरे ऐसा तो आपको लगता है ना, पूरी दुनिया को तो नहीं लगता, चाहिए तो किसी से भी पूछ लो। अभी आप लोग ही बताओ शिनचैन शरारती है या नहीं है, जल्दी से कमेंट कर दो। चलो मुझे लगता है मेरा रास्ता साफ है। और ये मैं चला, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा, डूड भैया को हराना भी तो है। मैं तो यहाँ मजे मजे के चक्कर में सब कुछ भूल जाता हूँ। अरे डूड भैया यहाँ पर आपकी भैंस पानी में गई थी ना, बोलो तो ढूंढ के आता हूँ। तू मजाक उड़ाना बंद कर, बोला ना वो गलती से निकल गया था। अच्छा इसी बात है क्या, चलो कोई बात नहीं इन पुतलों पर गोली चलाता हूँ, अब यही पुतले पानी के अंदर जाके आपकी भैंस ढूंढेंगे। अरे ये क्या डूड भैया, ये वाला पुतला तो बीच में ही गिर गया। चलो कोई नहीं, मैंने इसको वापस मारा तो साइड में हो गया। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मुझे बॉल्स को भी उड़ाना है, दो दो बॉल एक साथ। और ये गया बीच में से। अरे मुझे तो लग रहा है कि मैं दो भाइयों को अलग कर रहा हूँ। अरे नहीं ये क्या हो गया, मैं तो पानी के अंदर चला गया था। चलो कोई बात नहीं फिर से करता हूँ। कर ले भाई कर ले, वैसे भी तू हार ही गया है। अरे ऐसा मत बोलो चॉप, तुमने कुछ नहीं देखा ना, सही सही बोलना। शिनचैन मुझे माफ कर देना पर मैंने सब कुछ देख लिया था, तुम सच्ची में हार गए हो, पर तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। ये रैम पूरी करके दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं। अच्छा ठीक है अभी बताता हूँ, ये लास्ट वाले बॉल गए। अरे बाप रे इतने सारे बॉल्स, चल कोई बात नहीं इनको उड़ाते हुए जाता हूँ। ये गया पहला बॉल, अब बारी है दूसरे की। अरे यार इसको तो लगा भी नहीं बराबर। चलो कोई नहीं नीचे तो गया, अब यहाँ से स्ट्रेट जाता हूँ। चलो हटो मेरे रास्ते से, मैं एक भी बॉल को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी हार जीत का सवाल है। जल्दी 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 जल्दी, चलो ये भी साइड में हो गया। अरे ये तो टेढ़ा चला गया, नीचे ही नहीं गिरा, बहुत ही नटखट बॉल है। अबे बॉल्स में जान नहीं होती है, नटखट क्या होता है। अरे ये मेरा नजरिया है, आपका नजरिया मुझ पर मत थोपो। अच्छा ठीक है भाई जल्दी कर ले, तेरे को तो हाथ जोड़ता हूँ। अरे ऐसा मत करो मुझे शर्म आ जाएगी। जल्दी 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 जल्दी, चलो ये भी साइड में हो गया। देखो बस मेरा लास्ट वाला प्लेटफॉर्म बाकी है, अब जल्दी जल्दी इसके आगे जाता हूँ। चलो ये भी साइड में हो गया, यहाँ पर तो आग लग गई। मुझे लगता है मुझे साइड से जाना चाहिए, पर साइड से जाऊंगा तो नीचे गिर जाऊंगा। ये तो मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे बीच में से जाना पड़ रहा है। अब देखो इन टायर्स को कैसे उड़ाता हूँ, ये गए सारे के सारे। ऐसा लग रहा है कि मैं कैरम खेल रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े कैन है, मुझे कैसे भी करके इनको क्रॉस करना होगा। और ये मैंने फायर किया, वाकई बात है बहुत कम रास्ता बाकी है, कैसे भी करके इसको पूरा कर लेता हूँ। पर पहले मुझे इसके ऊपर से जाना होगा क्योंकि ये तो बीच में से हट ही नहीं रहे हैं, तब भी मारू उड़ उड़ के बीच में ही आ जाता है। चलो इनके वजह से तो उल्टा आसानी हुई मुझे ऊपर चढ़ने में, एक काम करता हूँ इनको उड़ा के देखता हूँ। अरे वाकई बात है डूड भैया, काश आप भी ऐसा ट्राई कर लेते, मैंने तो आधी चीजें बीच में ही उड़ा दी। गाइस यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मुझे नहीं पता था ये उड़ती होगी। अरे आप ध्यान नहीं क्या देते हो, उसके लिए मेरे जैसा दिमाग चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। बकवास बंद कर, और तू पहुंचने वाला है तो पहुंचना जल्दी, क्यों टाइम पास कर रहा है। अरे पहुंच रहा हूँ ना, इतना भड़क क्यों रहे हो, आज आप जीतने वाले हो तो कुछ भी करोगे। तो गाइस शिनचैन भी फिलहाल पहुंच गया है, और क्या कूदाया इसने टैंक, मानना पड़ेगा। अब जल्दी से जाके टैंक को यहाँ पर रोकता हूँ और फटाफट उतरता हूँ यहाँ से। देखो डूड भैया और चॉप मैं आ गया, सच्ची सच्ची बताना मैंने कैसा किया, अगर मैं वहाँ पर गलती से गिरा नहीं होता ना तो मैं आपसे बहुत आगे निकल जाता। तो गाइस आप सबको तो पता ही है, और इन दोनों को भी पता होगा, हमको पता है चॉप, पर तू अपने मुँह से बोल, मुझे सुनना है। अच्छा ठीक है बोलता हूँ। तो आज का विनर है डूड भैया,
गाइस यार मुझे पता ही था कि मैं ही विनर होऊंगा, पर घमंड नहीं किया कभी मैंने। ओहो भाई साहब ये तो देखो, जो जीता है उसे भी टैंक मिला है, और ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का लग रहा है, बाकी टैंक से काफी ज्यादा अलग है, ये नॉर्मल तो नहीं है। तो गाइस मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग इसी टैंक के साथ खेलेंगे। अब वो क्या होगा और कैसे होगा वो आपको पता चलेगा इसके बाद वाले एपिसोड में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद। We'll be right back.